हाँ ये देखिए हुआ बहुत अच्छा, वेल डन साजिया, वेल डन। ये फूल है, हमने तोड़ा नहीं है, चुना है, अभी जो हवा तेज चल रही है। क्या हो साजिया? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो अग्नि है इसका कलर भी चेंज हो रहा है। एक मिनट में आपको बैक करके दिखाती हूं। लास्ट सीढ़ी नहीं थी क्योंकि इसके बाद एक और है, अब वो बिल्कुल सोना सोना लग रहा है। इस एरिया में तो ज्यादा लोग, अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, तो अभी थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ और थोड़ा बहुत आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया डेली रिमाइंडर्स। तो आज मैं आ गई हूँ जुबली पार्क। वो अचानक से प्लान हुआ है, अम्मी और खाला आई हुई थी नवादा से मेरी, तो अभी मैं सभी के साथ आ गई हूँ, भाभी, साजिया, गुड़िया, अम्मी, खाला, जुबली पार्क। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में तो मौसम इतना लग रहा था कि गर्म है, लेकिन मैं सोच रही थी पार्क में अभी कैसा होगा, लेकिन आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, तो अभी थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ और थोड़ा बहुत आपके साथ यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स स्टे कनेक्ट। वैसे तो पिछले कुछ महीने में बहुत बार आई हूँ जनाब के साथ, लेकिन फैमिली के साथ का एक अलग ही बात होता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि फैमिली के साथ आई हूँ, तो एक अलग ही लेवल की खुशी है आने की। और जैसे कि आप जानते हैं कि बस कुछ ही नहीं दिनों में स्कूल जो है वो खुलने वाला है, तो जो गर्मियों की छुट्टी थी वो ख़त्म होने वाली है, तो सभी चाहते हैं कि अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा से अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो इसलिए पार्क से अच्छी जगह और क्या होगी। अभी तो सभी अपने अपने फ़ोटोशूट में लग गई हैं और मैं भी अपना ब्लॉगिंग थोड़ा कर रही थी, और यहाँ अम्मी और खाला जो है वो अपना गपशप करने में बिजी है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो नई बनी हैं, मैं तो इससे पहले आई थी तब भी ये था, लेकिन दिन के वक्त बहुत टाइम के बाद आई हूँ और पार्क भी सच में बहुत टाइम के बाद आई हूँ। और ये सीधा जाता है अग्नि की तरफ, जो यहाँ पर गार्डन था मुगल गार्डन, और इस एरिया में न्यू बना है अग्नि, और ये अभी मेन पार्क के खूबसूरती का रीज़न है। अभी जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे ये अग्नि आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगी। अभी क्योंकि रोशनी है तो इसका कलर हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बन रहा है अम्मी और खाला के लिए लेमन टी, क्योंकि अम्मी को पीना था चाय, घर से पीकर आई नहीं थी। लेमन टी पीना है, कितना मिले भाभी? अपना फोन से मैं वीडियो बना रही। क्या हो साजिया? तो ये अभी हम लोग अम्मी और खाला का हो गया है, लेमन टी यहाँ पर पी ली है, और ये लिए थे साजिया को लेना था ये 20 रुपीज में, और ये मैं ट्राई करी लेकिन नाकाम नहीं हूँ, तो ये हो रहा नहीं है, तो देखिए कैसे दिखाई देती है। थोड़ा नजदीक आ जा रहा है, एक मिनट वेट, दे तू मेरे को दे, ये हुआ ना। एक और अब दूर से कर रहे हो, ठीक है? लेकिन उस टाइम तो अम्मी लोग के टाइम जा रहा था बहुत। हाँ ये देखिए हुआ बहुत अच्छा, वेल डन साजिया, वेल डन। कितना सारा हो गया ना? हाँ, और एक रौनक, वाव बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, करवा के बहुत प्रिंसेस सा फील हो रहा है। चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन अम्मी हमेशा की तरह पिकनिक हो या कहीं भी हो तो अम्मी अपने साथ लेकर कुछ ना कुछ आती है, और आज भी लेकर आई है पानी और फ्रूट्स। तो अभी हम लोग शाम का नाश्ता करने के बाद बैठे हुए हैं, और देखिए मौसम कुछ इस तरह से हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, लेकिन कुछ पता नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है, बारिश का मौसम जैसा लगता है लेकिन होती ही नहीं है। और अभी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं पार्क, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा गर्मी है तो सभी घूमने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं, बाहर आकर अच्छा लगता है, और पार्क में तो और भी माहौल अच्छा लगता है। और मैं ब्लॉग सो
फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर बहुत देर बैठने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो अग्नि है इसका कलर भी चेंज हो रहा है। एक मिनट मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। हाँ हाँ वही हेलीकॉप्टर कितना अच्छा आ रहा है। देखिए लाइट भी ऑन हो गया। देखिए अभी लाइट जो है वो ऑन हो गया। अम्मी और खाला तो बैठ गई हैं क्योंकि वो दोनों थक गई थी और बाकी सब अभी रुक गई हैं क्योंकि उन्हें बनाना है रील्स और फोटो शूट करवाना है। तो मैं सोची क्यों ना अपना थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए भी मैं और आगे चली जाती हूँ, क्योंकि जब आई हूँ तो पूरे पार्क का व्यू और इतना खूबसूरत मौसम है तो शेयर करूँ। और पता नहीं मैं तो बहुत टाइम के बाद आई हूँ, आज फाउंटेन ऑन होगा भी या नहीं। ये अभी मैं पार्क के सेंटर में पहुँच चुकी हूँ और ये जा रहा है अभी ऊपर की तरफ। फाउंटेन का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ ऑन होता है कि नहीं। और ये ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से तीन सीढ़ियाँ हैं, बीच में एक सेंटर में है और एक लास्ट उस कॉर्नर में और ये जिस कॉर्नर में, और ये जुबली पार्क की जो खूबसूरती का सबसे बड़ा रीज़न जो है ये जो दोनों तरफ से ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, उस तरफ से भी आपको देखने को मिलेगा और इस तरफ से, ये जो जुबली पार्क की खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है। इनफैक्ट कहा जाए तो इसी से जुबली पार्क की खूबसूरती है। और ये आ गया सेकंड सीढ़ी और इसे इसके चढ़ने के बाद एक और लास्ट सीढ़ी आएगी, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मेन जगह जो से जहां पर जमशेद जी स्टैचू है। और देखिए मैं कितने आगे आ चुकी हूँ और अम्मी लोग अभी, और मैं वीडियो शूट करते करते बहुत आगे आ गई हूँ। अम्मी और खाना लोग को आना नहीं था तो वो लोग वहीं रुक गई है, तो मैं सोची आई हूँ तो आगे तक आ ही जाती हूँ। देखती हूँ गार्ड कोई दिख मिलते हैं तो पूछती हूँ कि आज फाउंटेन ऑन होगा कि नहीं। तो मैं गलत हूँ क्योंकि मैं सोची कि ये लास्ट सीढ़ी है, बट ये लास्ट सीढ़ी नहीं थी क्योंकि इसके बाद एक और है और वो लास्ट है। मैं साइड से आ रही हूँ और ये देखिए मैंने, ये देखिए इतना आगे तक आ गई हूँ, अभी तक फाउंटेन ऑन ही नहीं हुआ है। फाउंटेन के बिना बहुत सूना सूना सा लग रहा है। और ये देखिए धूप से फूल भी यहाँ पर मुरझा गए हैं। फूल देखिए धूप से कैसे हो गए, गर्मी से। और यही अगर धूप नहीं, गर्मी से इस तरह से नहीं होती तो इसकी खूबसूरती कुछ और ही रहती है अभी। तो वो मैं लास्ट से आ रही थी लेकिन अब मैं जो फाइनल जिस जगह पे पहुँचने वाली हूँ वो मैं सेंटर से इन कर रही हूँ। उधर भी दो सीढ़ियाँ हैं। और ये रहा सेंटर। अभी जो यहाँ पर एक अंकल थे जो गार्ड थे, उनसे पूछी हूँ कि फाउंटेन ऑन नहीं होगा, तो पता चला कि सैटरडे ट्यूसडे और संडे ही ऑन होगा, तो आज तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए तो अभी मैं आ गई हूँ जमशेद जी टाटा जी की प्रतिमा के पास में,
और ये रहा। बिल्कुल सोना सोना लग रहा है। इस एरिया में तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, खाली खाली ही लग रहा है, वरना अमूमन किसी खास मौके पर यहाँ पर भी भीड़ रहती है। अम्मी लोग अभी उधर ही रुक गई है और यहाँ पर पहुँच गई हूँ, अब जा रही हूँ वापस। ये गेट 2 है तो अब मैं वापस जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि फाउंटेन ऑन होगा नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है रुककर, यहाँ पर वेट करके जाती हूँ, अम्मी लोग के पास ही बैठती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, और गाइस मैं अभी जा रही हूँ अम्मी लोग के पास। बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में है, तो मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है अम्मी लोग के पास क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही है। ये देखिए हवा की रफ्तार। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ अम्मी लोग के पास। ये फूल है, हमने तोड़ा नहीं है, छूना है, अभी जो हवा तेज चल रही थी उससे। नहीं नहीं नहीं, मेरा पूरा गिरा दिया। चुनो चुनो, तो ये मैं ली हूँ किसी स्पेशल के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा जुबली पार्क का फुल वीडियो और क्या कुछ जो भी थोड़ा बहुत मस्ती की हूँ। मौसम इतना सुहाना था और बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे फैमिली के साथ आई तो और भी अच्छा लगा। तो बस यही कहूँगी, गर्मी की छुट्टी जो है वो ख़त्म होने वाली है और अभी तक आप नहीं आए हैं तो अपने बच्चों को लेकर आइए और इन्जॉय कीजिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।